जैसा कि आप सब जानते हैं कि आम जनता हो या फिर काफी बड़ा सेलिब्रिटी, हर किसी ने अपने नए अंदाज में इस नए साल की शुरुआत की। जहां पर कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन का कहर बरपा रहा है, तो इस बीच भी सभी लोगों ने इस नए साल की अच्छे से शुरुआत की। लेकिन आज इस नए साल की शुरुआत आप सबके दबंग खान यानी कि सलमान खान ने इस नए साल की शुरुआत कैसे और किसके साथ की थी, तो आपको बता दें कि सलमान खान ने अपने इस नए साल की शुरुआत अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी के साथ की थी। जी हाँ, जिसका एक वीडियो सामने आ चुका है। सलमान खान ने अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर के साथ नए साल का स्वागत किया। खास बात ये थी कि इस जश्न में सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी भी साथ में नजर आई थी। सलमान खान और पॉलिटिशियन बिना काक ने सलमान खान ने इस न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया, जिसके साथ साल 2022 की शुभकामनाएं भी दी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। लेकिन आगे की पूरी कहानी क्या है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दरअसल सलमान खान ने अपने न्यू ईयर सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की और इसी न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तस्वीरों में संगीता बिजलानी और यूलिया वंतूर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नए साल के इस मौके पर भी टाउन में भी जश्न का माहौल था। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने भी शानदार तरीके से न्यू ईयर का स्वागत किया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सामने आई है। और सलमान खान इसमें अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर के साथ नए साल की स्वागत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस जश्न में सलमान खान के साथ उनकी एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी भी नजर आई। सलमान खान और पॉलिटिशियन बिना काक ने सलमान खान के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया और इसी के साथ 2022 की शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटेड जैकेट और ब्लैक टी शर्ट पहन रखी थी सलमान खान ने। आपको बता दें कि वही बिना काक वेलवेट कुर्ती पहन रखी थी। इसके साथ अलावा यूलिया वंतूर ने भी इंस्टा पर न्यू ईयर की तस्वीरों और वीडियोस को शेयर किया। इस वीडियो में सलमान खान तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन संगीता बिजलानी नजर आ रही है, जिसने सभी को काफी ज्यादा हैरान कर दिया। वीडियो पर यूजर्स जमकर अपने रिएक्शन दे रहे हैं। वीडियो पर कमेंट करते हुए यूजर्स ने एक्ट्रेस को न्यू ईयर की बधाई भी दी और संगीता बिजलानी की उपस्थिति पर अपने रिएक्शंस भी दिए। वहीं कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर सलमान खान कहाँ है। कईयों ने तो यूलिया वंतूर से सलमान खान को लेकर भी सवाल पूछा। आपको बता दें कि इससे पहले सलमान खान ने अपने पनवेल के फार्म हाउस पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। नेक्स्ट नाइन लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल की रिपोर्ट, जहां पर सलमान खान ने किस तरीके से अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड और एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक लिए बने।